दोस्तों, बंगाल में जो हो रहा है वो बिल्कुल वही है जो कश्मीर में हुआ था। बंगाल में जो हो रहा है वो बिल्कुल वही है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था। उस वक्त की चुप्पी, उस वक्त का सन्नाटा, उस वक्त हिंसा का सामना कर रहे परिवारों को अकेला छोड़ना आज तक पूरे देश पर और समाज पर भारी पड़ रहा है। आज तक उसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। इस बार ये पाप नहीं करेंगे। इस बार इन परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे मरने के लिए, सिसकने के लिए। इनको पलायन करना पड़ रहा है, बंगाल छोड़कर भागना पड़ रहा है। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका साथ देंगे। हम इनके साथ खड़े होंगे। ये जितना भी आक्रोश है, गुस्सा है, ये जो भावनाएं हैं, इन सबके बीच में ये संकल्प लेना होगा कि इनमें से एक भी परिवार कहीं अकेला ना रह जाए, इनमें से एक भी परिवार कहीं टूट ना जाए, कमजोर ना पड़ जाए। इनको सजा मिली है हिंदू होने की। इनके साथ भयानक हिंसा और आतंक का खेल खेला जा रहा है। आइए ये संकल्प लें कि इन परिवारों के साथ हम खड़े होंगे। इनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इनको अकेला नहीं पड़ने देंगे। मैं और अनिर्बान गांगुली जी, हम कल सुबह से ये अभियान चलाएंगे इन परिवारों के साथ खड़े होने का। एक एक पीड़ित के परिवार से मिलेंगे जाकर, उनका सहारा बनने का संकल्प लेंगे। आइए मिलकर कल सुबह से ये अभियान चलाएं, इन परिवारों का साथ दें। डायरेक्ट एक्शन डे की गलती को, कश्मीर की गलती को, उस चुप्पी को, उस सन्नाटे को दोबारा ना दोहराएं। बंगाल को दोबारा कश्मीर नहीं बनने देंगे। इनमें से एक भी परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे, ना कमजोर पड़ने देंगे। कल सुबह से हमारा साथ दीजिएगा। बंगाल में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, पूरे देश के अंदर अभी गुस्से का माहौल है, क्योंकि बात करें इंटरनेशनल मीडिया की या और किसी मीडिया की, तो वो ये खबर दबाना चाहता है, वो ये खबर नहीं दिखा रहा। वहीं अगर किसी भी शांतिप्रिय समुदाय के किसी लड़के के साथ में कुछ हो जाता है, या फिर वहाँ पे जो पानी पीने गया था उसको वहाँ पे मारा था, तो पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी। तो सोचिए आप, इतनी सी खबर को इंटरनेशनल बना देते हैं, और जब यहाँ पे इतनी हत्याएं हो रही है, इतनी माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उस न्यूज़ को दबाया जा रहा है, सबके सब मिलके वहां पे उसको दबा रहे हैं। ऐसे में अब कपिल मिश्रा जो है वो आ गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि अब वो खुद वहां पे जाके वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जो भी है, जिनको एक तरह से जो कश्मीर के टाइम हुआ था वैसा नहीं बनने देंगे। इस बार वो सब पीड़ित परिवार के साथ में, और सभी हिंदुओं से भी निवेदन है कि सब एक साथ आगे आओ और सब इनका साथ दो, दोबारा ऐसी गलती ना हो जो पहले की थी। क्योंकि पहले क्या हुआ था, सब चुपचाप देखे जा रहे थे, खामोश थे, किसी ने मदद नहीं की थी, लेकिन इस बार हम खामोश नहीं बैठेंगे, सब मिलजुल कर यहाँ पे इनका साथ देंगे, बंगाली हिंदुओं का साथ देंगे, और ये जो कठमुल्ले जो भी अपनी औकात दिखा रहे हैं, इनको सबक जरूर सिखाएंगे। हम सबको मिलकर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस मामले में, नीचे कमेंट जरूर करें। क्या आप भी साथ हैं इस मुहिम में, तो नीचे कमेंट करें। और जो भी यहां पे प्रताड़ित जो भी हो रहे हैं, उनकी जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज है वो उठ सके। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी के निशान को दबा देना, क्योंकि मैं यहां पे सही वीडियो दिखाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। आखिर कब तक हम हिंदुओं की आवाज को दबाया जाएगा, और मैं यहां पे मुहिम चला रहा हूं सभी भाई बहनों के साथ मिलकर, ज्यादा से ज्यादा असलियत है वो यहां पे दिखाई जाएगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये याद रखना कि घंटी के निशान को जरूर दबा दो, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।